हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में परिमेयीकरण करना सीखेंगे। परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, तो दोस्तों देखिए, परिमेयीकरण करने के लिए क्या करना है, हमें कैसे करना है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न इस तरह से कि 1/7 -4 कड़ी में 3 दिया गया है। अब इसका हमें परिमेयीकरण करना है, तो हम इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम देख रहे हैं हर में लिखा गया है 7 -4 कड़ी में 3। यहाँ पर देखिए 7 -4 कड़ी में 3 लिखा गया है, तो हम इसी के संयुग्मी अर्थात 7 + 4 कड़ी में 3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो इसका परिमेयीकरण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसका हल कैसे करेंगे। देखिए, इसका हल इस तरह से हमें करना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि 7 + 4 कड़ी में 3 से अंश हर तथा अंश में गुणा करने पर। गुणा करने पर इस तरह से अब आप क्या करेंगे, आपको गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए आप लिखेंगे कि 7। प्रश्न आपका दिया गया है 1/7 - 4 कड़ी में 3, तो आपने क्या किया, आपने इसमें गुणा कर रहे हैं कितने का, देख रहे हैं ऊपर करेंगे, आपको इतने का गुणा करना है, तो लिखेंगे 7 + 4 कड़ी में 3 और इतने से ही नीचे भी कर देंगे, तो आप यहाँ इस तरह से लिख करके कर देंगे, कितना हो जाएगी, हो जाएगा 7 + 4 कड़ी में 3। इसके बाद गुणा करेंगे, तो आप गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो हो जाएगा 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो हो जाएगी 7 + 4 कड़ी में 3 हो जाएगा, और नीचे देखिए, नीचे हो जाएगा, जब इसका गुणा लिखेंगे तो गुणा हो जाएगा कि 7^-4 कड़ी में 3 का वर्ग। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि a² - b² को हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं a+b एक कोष्टक में और a-b एक कोष्टक में, यही इसका फार्मूला है, तो इसी फार्मूले से हम इसको लिख देते हैं, तो हो गया इतना। इसके बाद आप अब देखिए, ऊपर हो गया कितना, ऊपर आ गया 7 + 4 कड़ी में 3, और नीचे देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 × 7 = 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 49, और यहाँ देखिए ये हो गया 4 गुणे कड़ी में 3 का वर्ग करें तो हो जाएगा 4 × 4 = 16 × 3 = 48, और इस तरह से आ गया कितना, ये हो गया 7 + 4 कड़ी में 3, और नीचे 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया कि 7 + 4 कड़ी में 3। इसी तरह से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए, एक प्रश्न इस तरह से और इसमें दिया गया है कि देखिए 5 कड़ी में है, और नीचे लिखा गया है 5 + 2 कड़ी में 6, तो इसको आपको हल करना है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे, सेम इसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं 5 +
दो कड़ी में छः लिखा है, तो जब पांच धन दो कड़ी में छः लिखा गया है तो आपको इसमें पांच ऋण दो कड़ी में छः का अंश और हर में गुणा करना है। तो आप लिख देंगे कि पांच धन दो कड़ी में छः है, तो हम पांच ऋण दो कड़ी में छः का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो हम लिख देंगे इसको कि पांच धन दो कड़ी में छः का संयुग्मी, इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी हो जाएगा पाँच माइनस दो कड़ी में छः, तो पाँच माइनस दो संयुग्मी हो गया, का संयुग्मी इतना हो गया, से गुणा करने पर, से गुणा करने पर, तो इतने से आप गुणा करेंगे, जब इतने से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, अब आप इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा, लिखेंगे इसका हाल में, देखिए ये हो गया, कड़ी में पाँच पहले से है तो इसमें आपने क्या किया है, पाँच माइनस दो कड़ी में छः से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी इसी तरह से, तो हो गया पाँच धन दो कड़ी में छः और नीचे हो जाएगा पाँच माइनस दो कड़ी में छः, अब आप ऊपर लिख देंगे, ये हो गया कड़ी में पाँच का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पाँच कड़ी में पाँच, पाँच कड़ी में पाँच हो गया और इसमें हो जाएगा ये देखिए हो जाएगा कि माइनस दो कड़ी में तीस हो जाएगा। इसी तरह से नीचे का देखिए, नीचे हो जाएगा ये पाँच पचे पच्चीस हो जाएगा और ये देखिए कितना होगा, ये हो गया दो दूनी चार, चार छके चौबीस हो गया। इसके बाद आपको अब ऊपर देखिए, ये हो गया पाँच कड़ी में पाँच, देखिए हो गया पाँच कड़ी में पाँच और ये हो गया माइनस दो कड़ी में तीस और नीचे आ गया पच्चीस, पच्चीस में से चौबीस को माइनस कर देंगे एक आ गया, इस तरह से ऊपर आ गया पाँच कड़ी में पाँच और नीचे आ गया दो कड़ी में तीस, तो यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।